नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन कर रहना है। हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ के पार रहा। सरकार ने बताया कि मई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रहा। ऐसा लगातार 8वीं बार है जब जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। हालांकि मई का कलेक्शन अप्रैल की तुलना में कम रहा। मई महीने में सरकार ने नियमित निपटान के रूप में IGST से 15,014 करोड़ रुपए, CGST और 11,653 करोड़ रुपए SGST को निपटाया है। पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में जीएसटी का राजस्व 65% ज्यादा रहा है। सरकार जीएसटी की सबसे ऊंची 28% की दर वाली वस्तुओं पर 15% तक की दर से सेस भी वसूलती है। इस मद में सरकार ने मई में 9,265 करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें आयात पर कर से मिले 868 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के पास भी जुलाई के पहले हफ्ते तक बिना किसी लेट फीस और ब्याज के रिटर्न दाखिल करने का वक्त है और इन करदाताओं के राजस्व को तब तक के लिए टाल दिया गया है। सरकार ने एक और बात साफ की है कि मई के इन जीएसटी संग्रह आंकड़ों में 4 जून तक घरेलू लेन देन से हासिल जीएसटी भी शामिल है। इसकी वजह कोरोना के चलते टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइलिंग करने में कई तरह की राहत देना है, जिसमें देरी से रिटर्न फाइल करने की इजाज़त शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।